चिटफंड कंपनी के नाम लोगों के पैसे लेकर फरार हुई पति पत्नी 5 साल बाद हुए गिरफ्तार। आज की न्यू अपडेट 19 सितंबर 2020 की लेटेस्ट न्यूज़ जो हमारे पास नई दुनिया अखबार के माध्यम से आई है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या है। तेंदुखेड़ा कम समय में पैसे दुगने का लालच देकर कई चिटफंड कंपनियां अपना संचालन करती हैं और लोगों की लालच में आकर जहाँ दोस्तों लोग भी लालच में आकर कंपनियों में अपनी जीवन भर की कमाई लगा देते हैं। जब यह कंपनी पैसा खाकर रातों रात भागती है तब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आती है और फिर पुलिस से मदद ली जाती है। पिछले महीने इसी तरह की चिटफंड कंपनियों की शिकायतों को लेकर कलेक्टर तरुण राठी और एसपी हेमंत चौहान के निर्देश पर ज़िले भर में सभी थानों में शिकायतें निवारण शिविर लगाया गया था, जिसमें आवेदकों की शिकायतें सुनकर अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें पहली गिरफ्तारी तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई जहां पर लोगों का पैसा लेकर फरार हुई इनामी दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर और एसपी ने सभी लोगों की समस्या सुनकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 5 साल से फरार थे पति पत्नी। पकड़े गए आरोपित पति पत्नी के संबंध में तेंदुखेड़ा पुलिस ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व इस दंपत्ति ने तेंदुखेड़ा इंड्रोविल एग्रोटेक प्राइवेट इंड्रोविल जेंस एंड जेलवर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संचालित की थी, जिसका संचालन संतोष साहू और उसकी पत्नी मनीषा साहू ने शुरू किया था। लोगों को कम समय में अधिक पैसे देने का लालच देकर उनसे पैसा जमा कराया और जब आवेदकों को भुगतान की बारी आई तो पहले कंपनी ने अपना सिस्टम बंद कर दिया और उसके बाद वर्ष 2015 में पति पत्नी तेंदुखेड़ा से फरार हो गए, जिनकी लगातार पुलिस को तलाश कर रही थी। दोस्तों ये बड़ी खबर आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जय भारत।